हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल व्यूज बॉडी ब्लॉग्स। और एक बार फिर से निकल पड़े हैं नए सफर की ओर। तो भाई यहाँ से एक रास्ता जाता है चिकारडा करके एक गाँव है, और एक है आवरी माता। अभी उसमें से मैं डिसीजन नहीं ले पा रहा हूँ, क्योंकि दोनों में से डिस्टेंस थोड़ी थोड़ी मतलब ज़्यादा है, समझ रहे हो। एक 8 किलोमीटर की डिस्टेंस है और एक 11 किलोमीटर की, और उसके बाद भी कितना चलना पड़ेगा वो पता नहीं है अभी तक, समझ रहे हो। तो मैं अब देख के निकल तो गए हैं, बाकी जो कट आएगा उस कट को देखेंगे कि भाई कहाँ से टर्न लेना है, तो हिसाब से टर्न लेंगे और बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। बारिश भी आ रही है, देखो रोड गीली हो चुकी है, तो धीरे 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 बारिश भी आ रही है। थोड़ी देर पहले तेज़ आ रही थी, अब रुक गई है, तो अपन निकल गए हैं। बाकी सावलिया जी पीछे रह गए हैं और अपन हाईवे पे चलने वाले हैं। तो भाई कल ये हुआ कि मेरा मतलब कि आने का बिल्कुल भी ऐसा कोई आइडिया नहीं था कि मैं यहाँ पे आऊँगा, ठीक है ना। मैंने सोचा था, क्योंकि मंगलवाड़ करके एक जगह है, वहाँ से मेरे को टर्न लेना था जो मैं ले नहीं पाया, और उससे आगे निकल गया 5-6 किलोमीटर। तो भाई मैं यहाँ पहुँचा और मेरे यहाँ पे दर्शन लिखे हुए थे भाई, इतने ज़बरदस्त मेरे को दर्शन हुए, और मैं मतलब कि आभारी हूँ इस जगह का। तो बहुत ज़बरदस्त मेरे को अच्छे दर्शन हुए भाई, और बिना कुछ वो कि भाई स्ट्रगल किए हुए, समझ रहे हो, ना कुछ लाइन में खड़ा होना पड़ा, ना कुछ करना पड़ा, इतने ज़बरदस्त दर्शन हुए भाई। और बहुत प्योर एनर्जी मिली मेरे को, पॉजिटिव। और अब चलते हैं बना के, देखते हैं क्या होता है। ओके जी, चलो फिर मिलते हैं आपसे। तो जी भाई साहब, एक और व्यू आ गया तुम्हारे लिए, ये देखिए। ओहो, ये रोड, ये एक और भाई साहब पूरा यहाँ पे ब्रिज बना हुआ है, और ब्रिज से ये नदी जा रही है, पता नहीं कौन सी नदी है, लेकिन बहुत प्यारा व्यू है। और चिकारडा मैंने पार कर लिया है, सावलिया सेठ से चिकारडा, चिकारडा से यहाँ से सीधा निम्बाहेड़ा, ये निम्बाहेड़ा की तरफ जा रही है रोड, अपन निम्बाहेड़ा चल रहे हैं। निम्बाहेड़ा के बाद में अपन को सीधी उज्जैन वाली रोड मिल जाएगी, जो कि 4 लाइन 6 लाइन है शायद। तो यहाँ पर रास्ते में ये व्यू पड़ता है, ओहो भाई साहब एक नंबर। हाँ, तो काफ़ी बारिश है रास्ते के अंदर, देख लो आप कितनी गीली है रोड, पूरी रोड गीली है, पूरी रोड भाई। अभी तो थोड़ी कम हो गई बारिश, बाकी चिकारडा के अंदर इतनी भयंकर बरसी है ना, ये देखो टी शर्ट भी अब सूख रहा है भाई, धीरे धीरे हवा लग रही है जैसे जैसे। बाकी एक नंबर चीज़ है ओ तेरी। चलो फिर आगे चलते हैं। ये होटल रामदेव करके जगह है, जहाँ पे अभी 5 बजे मैंने आज खाना खाया है, ठीक है। रीज़न ये कि भाई मेरी सिस्टर ने मेरे को पैसे भेजे थे, वो अटक गए थे, जो कि मेरे को मिले नहीं, और वो अभी जस्ट मेरे पास मेरे खाते में, एक मिनट है कैमरा ख़राब, अभी जस्ट मेरे खाते में आए हैं। तो अभी जाके मैंने खाना खाया है, बाकी सुबह से मैं यूं ही चल रहा था बिना कुछ खाए पिए, और अब जाके खाना पीना हो गया है कम्प्लीट, और अब वापस निकल रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लिया मैंने सुबह से, और करीबन 40 किलोमीटर चल चुका हूँ, और अभी के बज रहे 5, तो अभी एक डेढ़ घंटे मान लो, मतलब 6:30-7 बजे तक, 2 घंटे में और चलूँगा। तब देखते हैं 2 घंटे में कितनी डिस्टेंस कवर कर पाते हैं। बाकी निम्बाहेड़ा से करीब 2-4 किलोमीटर पीछे हूँ, निम्बाहेड़ा मैं पहुँच चुका हूँ, और ये कुछ रोड है भाई, और ऐसा कुछ वेदर है, और आज पूरे टाइम बारिश थी, तो टी शर्ट थोड़ा ख़राब हो चुका है भाई, क्योंकि कपड़े मेरे से धुलते नहीं हैं। तो भाई कुछ ना कुछ सिस्टम करके पहन लेता हूँ मैं भाई, दूसरी आज मजदूरों वाली हालत हो गई थी। ये देखो भाई, ये सही करी कुछ हालत ऐसी है। ओके जी, चलो फिर मिलते हैं आगे आपसे, और यहाँ से निकलते हैं जल्दी से जल्दी, और करते हैं आगे का रास्ता कवर, नहीं तो अपन पीछे रह जाएंगे बहुत ज़्यादा। ओके, आज यहाँ रुकना पड़ेगा अपन को श्री बाबा रामदेव जी राम रसोड़ा, क्योंकि कोई होटल नहीं मिली और कोई भी स्टे करने का दूसरा ऑप्शन नहीं था अपने पास, तो इसलिए आज अपन यहाँ पे रुकेंगे। एक टेंट लगा हुआ है, इस टेंट के अंदर ही सोएंगे। और दूसरा नीमच की रोड पे चढ़ चुका हूँ मैं भाई,
और अब यहाँ से करीब दूरी जो है 200 किलोमीटर के आसपास है, जो कि मिनिमम से मिनिमम आप मान के चलो 3 से 4 दिन के अंदर मैं कंप्लीट कर दूंगा इसको। और जल्दी ही बाबा महाकाल के दर्शन मैं भी करूंगा और आपको भी करवाऊंगा, क्योंकि बहुत जल्दी मैं पहुंचने वाला हूं। बाकी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि मुझे ऐसी शक्ति देते रहे। और ये देखो ये चालू हो गया डीजे, यहाँ पे डीजे चल रहा है। और सामने वो होटल है राज पैलेस करके, पहले मैं वहाँ गया था लेकिन वहाँ पे रूम वगैरह ये सिस्टम है तो वहाँ पे खाट का भी सिस्टम नहीं है, तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। अपन को रुकना अफोर्डेबल प्राइस में बजट के हिसाब से, क्योंकि फालतू खर्चे करने नहीं है, तो मैं अपने लो बजट को लेके चल रहा हूँ तो उस हिसाब से मैं रुकता हूँ, तो इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है वैसे। ठीक है, यहाँ रुकाऊँ तो यहाँ रुकाऊँ, ये तो बहुत वो कहते हैं ना कि भाई बाकी की बात है कि अपन यहाँ रुके हैं, समझ रहे हो। बाकी अब यहाँ से कल सुबह निकलेंगे और देखते हैं कल का बहुत बात है। बाकी सिर्फ 200 किलोमीटर बच रहे हैं भाई साहब, हमारा भाई जल्दी महाकालेश्वर पहुँचने वाला है और आपको भी दर्शन करवाएंगे और मैं भी करूँगा। ओके जी, फिर मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद। बाकी उजाला काफ़ी है अभी भी लेकिन अच्छा है, मैं पहले ही रुक चुका हूँ क्योंकि आगे रिस्क नहीं लेना था मेरे को, आगे जगह मिले चाहे ना मिले कुछ पता नहीं रहता इस चीज़ का। ठीक है, तो फिर करते हैं थोड़ी देर बाद बातचीत। ओ जी दोस्तों, ये रही अपनी साइकिल और इतनी तेज बारिश शुरू हो चुकी है भाई, ये देखो भाई बहुत तेज बारिश शुरू हो चुकी है और भाई यहाँ पे अटक गए हैं। अच्छा हुआ कि मैं यहाँ पे रुक गया, अटक तो क्या ही गए, अच्छा हुआ कि यहाँ रुक गया, नहीं तो आगे जाता तो मैं फंस जाता भाई इस बारिश के अंदर। और इतनी तेज़ बारिश आ रही है ना, पूरी रोड पे पानी पानी हो रखा है और अभी नहीं दिख रहा है तो मैं आपको सुबह दिखाई दूंगा कितना पानी है। वो देखो भाई सामने बहुत ज़बरदस्त वाली बारिश है, ये बहुत ज़बरदस्त वाली, ये साइकिल देखो अपनी पूरी गीली हो चुकी है, सारा सिस्टम गीला हो गया भाई। ओके जी।